फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। एक बार फिर से आप सभी का मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ चिकन की एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिए और पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि मैंने चिकन की रेसिपी के लिए क्या क्या लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं और फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने रोस्टेड चिकन लिए हैं, हाँ आधा किलो से ज्यादा है ये चिकन। और मैंने यहाँ पर क्रीम ली है, तो इसकी जगह पे आप घर की मलाई भी ले सकते हैं। धनिया लिया है गार्निशिंग के लिए, हरी मिर्च ली है नमक स्वाद के अनुसार, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 3 से 4 चम्मच के करीब, लाल मिर्च का पाउडर स्वाद के अनुसार, गरम मसाला आधा चम्मच, हल्दी पाउडर मैंने 1 चम्मच से कम लिया है, कसूरी मेथी ली है मैंने आधा चम्मच, और 2 प्याज लिए हैं जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है, और 2 ही टमाटर लिए हैं इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर खड़े मसालों में मैंने 2 सूखी लाल मिर्च ली है, 4 छोटी इलायची ली है, 5 से 6 मैंने लौंग लिए हैं, 3-4 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए है 1 चम्मच, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर साबुत जीरा लिया है और 2 तेज पत्ते लिए हैं। हमें इसे बनाने के लिए देसी घी लेना है। कढ़ाई में मैंने 5 से 6 चम्मच के करीब देसी घी ले लिया है, ये गर्म हो चुका है और इसमें हम सारे खड़े मसाले डाल देंगे। ये जितने भी खड़े मसाले हैं मैं सारे डाल दूंगी। 1-2 सेकंड खड़े मसालों को पकाने के बाद इसमें अब हम प्याज का पेस्ट डाल देंगे। प्याज मैंने डाल दिया है प्याज का पेस्ट, और इसे तब तक भूनना है जब तक कि प्याज का कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए, और मीडियम फ्लेम ही रखना है हमें इसे। प्याज के पेस्ट का कलर चेंज हो गया है, इसमें हम सारे सूखे मसाले डाल देंगे। तो मैं यहाँ लाल मिर्च डाल दे रही हूँ, हल्दी पाउडर, और गरम मसाला भी नहीं डालेंगे, और साथ में मैं नमक भी डाल दे रही हूँ। नमक हमें हिसाब से डालना है क्योंकि रोस्टेड चिकन में भी नमक है, तो थोड़ा कम ही डालना है हमें, और इसे 1-2 मिनट भून लेना है। सूखे मसाले मैंने भून लिए हैं, इसमें अब हम लहसुन का पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और इसे भी भूनना है जब तक कि लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन दूर ना हो जाए। लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो चुका है और मसाले में भी तेल आ गया है किनारे पे, तो अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी मीडियम फ्लेम पर भूनना है। इसे भी हमें 5 मिनट के करीब भूनना है मीडियम फ्लेम पर। मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, देखिए मसाले के ऊपर तेल भी आ गया है, इसका मतलब हमारा मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें हम मलाई या क्रीम डाल देंगे, तो मैं यहाँ पे 1/2 कप के करीब क्रीम डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार ज्यादा या कम कर सकते हैं। इसे 1 से 2 मिनट हम फ्लेम को स्लो करके भूनेंगे। क्रीम को भी मैंने 1-2 मिनट भून लिया है। अब इसमें हम जो हमने ये कसूरी मेथी ली थी ये डाल देंगे, और गरम मसाला डाल देंगे साथ में, और इसे अच्छे से मिला लेंगे, और साथ ही रोस्टेड चिकन भी डाल देंगे इसमें, और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। मैंने चिकन और मसाले को बहुत अच्छे से मिला लिया है। इसमें अब हम अपनी ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे। मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिला लूंगी। पानी डालकर मैंने अच्छे से मिला लिया है, और इसे हमें 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ढक के पकाना है, और केवल 10 ही मिनट पकाना है क्योंकि हमारे चिकन पहले से पके हुए हैं, इसलिए हमें ढक कर 10 मिनट ही पकाना है। तो मैं इसे ढक देती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं, मैं गैस बंद कर दूंगी, और मैंने इसमें हम धनिया और जो हरी मिर्ची हमने काटी है वो डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी चिकन की रेसिपी तैयार है। इस रेसिपी को आप अपने घर पर ट्राई कीजिए, और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मेरे साथ कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए। पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ एक नए एपिसोड में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।